वर्तमान में चल रहे गणेश उत्सव की धूम चहुओर है। शहर में विभिन्न स्थानों पर गणेश पंडाल सजाकर भगवान श्री गणेश को विराजित किया गया है, जहां सुबह शाम विघ्नहर्ता की आरती की जा रही है, वहीं रात्रि में आकर्षक श्रृंगार भी किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जमीदार मोहल्ला निवासी जगदीश भावसार द्वारा अपने पुत्र अनुज भावसार व पुत्री पूजा भावसार के सहयोग से घर के अंदर आकर्षक झांकी तैयार की है। झांकी में उन्होंने दर्शाया कि भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करने जा रहे हैं। वहीं हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण को भी झांकी में दर्शाया गया है। अनुज भावसार ने बताया कि भारत के सफल चंद्र मिशन को कई तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और यही वजह है कि अध्यात्म और पूजा पाठ में भी इसे अब शामिल किया जा रहा है। इस अनोखे रूप वाली झांकी को देखने के लिए मोहल्ले सहित आसपास के लोग आ रहे हैं और खूब सराहना कर रहे हैं। जगदीश भावसार का कहना है कि उन्हें बचपन से ही इस तरह की झांकियां बनाने का शौक है। इसके पूर्व भी कई आकर्षक झांकियां बनाई हैं और आगे भी इसी तरह की अनोखी झांकियां बनाते रहेंगे। श्री भावसार द्वारा झांकी के साथ ही 5 अलग अलग रूप के गणेश जी की प्रतिमा भी विराजित की है, जिनकी प्रतिदिन सुबह शाम परिवार के साथ मिलकर आरती करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अनूठी झांकी बनाई गई है गणेश चतुर्थी के अवसर पर, इस बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। ये हमने एक, जिसमें मेरे पापा हैं जगदीश भावसार जी, इनको बड़ा शौक था बचपन से झांकी बनाने का। अब जब बचपन में दोस्तों के साथ बनाया करते थे, लेकिन अब क्या, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, अब सब अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन फिर भी इनके शौक के चले ये वक्त निकालते हैं और झांकी बनाते हैं। क्या इस साल किस प्रकार की झांकी बनाई है? इस बार हमने जो हमारी गणेश जी है, उनको हमने, जब हमारा देश चांद पर पहुंच गया है, तो हमने सोचा कि ना गणेश जी की स्थापना चांद पर की जाए। सबसे पहले हमारे गजानन जी, तो हमने जो शिव शक्ति पॉइंट था उस पर गणेश जी की स्थापना की और हमने राम रावण का युद्ध दिखाया। अच्छा, पिछले वर्ष भी बनाई गई थी, प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ नया होता है। हाँ, हर साल हम कुछ ना कुछ नया। क्या नाम लिखता है? मेरा नाम अनुज जगदीश भावसार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।